बड़ी खबर चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई। अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने उन तस्वीरों को जारी भी किया जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई। एक रोज पहले ही लैंडर विक्रम को अंतरिक्ष यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया। बाद में लैंडर की रफ्तार कम करके उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में ले जाया गया ताकि चांद पर उसे सुरक्षित तरीके से उतारा जा सके। तो तस्वीरों में चांद पर गड्ढे नजर आए, ये ताजा तस्वीरें लैंडर ने भेजी है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास रचने से महज कुछ किलोमीटर दूर है। अब पूरे देश को 23 अगस्त का इंतजार है जब लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा जो चांद की सतह पर चलेगा और पूरे इलाके का परीक्षण करेगा, जिसके साथ ही भारत एक और बड़ा इतिहास बनाएगा। भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का पोलर रीजन दूसरे रीजन से अलग है। यहाँ के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान भी -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि भारत के पहले चंद्रयान मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। भारत का पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था। चांद पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग ही इसरो की सबसे बड़ी चुनौती है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर सामान्य तरीके से काम कर रहा है। यही नहीं, लैंडर ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी। उन तस्वीरों को इसरो की तरफ से जारी किया गया, मतलब लैंडर विक्रम चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम न सिर्फ सामान्य रूप से काम कर रहा है बल्कि सही तरीके से चांद की तरफ बढ़ रहा है। सबूत के तौर पर लैंडर ने 17 अगस्त को ली गई चंद्रमा की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी जिन्हें इसरो की तरफ से जारी किया गया। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर ने ये तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे दिखाई दिए। इससे पहले 15 अगस्त को भी चंद्रयान 3 ने LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भेजी थी और उन्हें भी इसरो ने शेयर किया। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम को अलग करने के बाद उसे सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग के जरिए चंद्रमा की निचली कक्षा में ले जाया गया। डी बूस्टिंग का मतलब अंतरिक्ष यान की रफ्तार को धीमा करना होता है। यानी मून मिशन के लिए निकला भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 आखिरी पड़ाव पार करते हुए चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया, जो भारत के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एक रोज पहले 17 अगस्त को दोपहर करीब 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर विक्रम से अलग कर दिया गया। इस कामयाबी के बाद लैंडर विक्रम को डी बूस्टिंग यानी रफ्तार कम करके चंद्रमा की निचली कक्षा में लाया गया जहां से चांद की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह गई। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम धीरे धीरे चांद पर उतरने के लिए कदम बढ़ाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए मिशन चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लिया है। इसरो ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछली कोई भी गलती इस मिशन के साथ ना हो, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इस मिशन में कई तरह के बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने चांद पर इसका लैंडिंग एरिया बढ़ा दिया है। यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी, लेकिन इस बार लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। साथ ही इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए हैं। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी ताकि 2 इंजन आपात स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। और इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का धन्यवाद किया। एक रोज पहले चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया ताकि लैंडर विक्रम को चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचाया जा सके। लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किए जाने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का शुक्रिया अदा किया। लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा में रहकर महीनों तक धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर विक्रम चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसी सतह पर उतरेगा।
लैंडर में कई ऐसी मशीनें लगी हैं जो चांद पर उतरने से पहले सतह की गर्मी और भूकंप के साथ साथ कई दूसरी चीजों की जांच करेंगी। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 वहां पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही असली मिशन शुरू होगा, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम की गोद में बैठा 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर का वजन करीब 26 किलो है, जो चांद पर 14 दिन तक रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान रोवर चंद्रमा पर पानी की खोज और मिट्टी की जांच करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। रोवर इस बात की भी जानकारी जुटाएगा कि चांद की सतह पर आंधी और भूकंप कैसे आते हैं। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा और ये सिर्फ लैंडर विक्रम से ही संपर्क कर पाएगा। मतलब प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम को डेटा भेजेगा, जिसे वो आगे इसरो तक पहुंचाएगा। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 की नाकामी से सबक लेते हुए इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत और कई खास तकनीकों से लैस किया गया है, ताकि किसी भी सूरत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने की प्रक्रिया फेल ना हो। क्योंकि सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, इसलिए पिछली बार से सबक लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम में खास तकनीक का इस्तेमाल किया है। पिछली बार की तुलना में इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ताकि चंद्रयान 2 जैसा हादसा न हो। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम का वजन 1726 किलोग्राम है, जो अपने साथ रोवर को ले गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद यह ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। लैंडर विक्रम की लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। चंद्रयान 3 इसरो की योजना के मुताबिक चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं जब भारत चांद पर इतिहास रच देगा। इससे जुड़ा एक अहम पड़ाव 20 अगस्त को है, जब डीप बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन शुरू होगा। इस सिलसिले में शुक्रवार को इसरो ने गुड न्यूज दी। इसरो ने जानकारी दी कि पहली डीप बूस्टिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसके जरिए चंद्रयान की कक्षा घटाई गई है। इसरो अब डीप बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को रात 2 बजे शुरू करेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। यान लूना 25 से एक तिहाई कम खर्च में ही चांद पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है, जबकि रूस ने 1976 के बाद, या यूं कहें कि 47 साल बाद पहली बार चांद का रुख किया। लेकिन भारत और रूस के मून मिशन के बजट में भारी अंतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का वजन 3800 किलोग्राम। लेकिन इसके बाद भी दोनों के मून मिशन में आने वाले खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। हालांकि रूस ने लूना 25 के बजट का ऐलान नहीं किया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 1600 करोड़ रुपए, यानी रूस का मून मिशन भारत की तुलना में करीब 2.5 गुना से ज्यादा। और तो और, चंद्रयान 3 की लागत चंद्रयान 2 की तुलना में भी करीब 30% कम है। हालांकि रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के भारत के लैंडर विक्रम से 1 या 2 दिन पहले ही चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है।